उम्मीद है कि मियाँ खलीफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, वही मियाँ खलीफा जिनकी वीडियो आप चुप चुप के देखा करते हैं, वही मियाँ खलीफा जो किसान आंदोलन में आवाज़ उठाई थी, उसके बाद चर्चा की विषय बन गई थी। हालांकि भारत के युवाओं से मियाँ खलीफा का नाता काफ़ी पहले से है। जिस समय से एंड्रॉयड मोबाइल आया, उस समय से ही भारत के युवाओं का नाता मियाँ खलीफा से जुड़ गया। लेकिन मियाँ खलीफा से भारत के युवा क्या सीखे होंगे, ये तो एक अलग चर्चा की विषय है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल विश्व की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मियाँ खलीफा से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा है। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मियाँ खलीफा लेक्चर देने पहुंची हुई थी। वहाँ उन्होंने लेक्चर दिया और लेक्चर देने के बाद उन्होंने धन्यवाद किया उन शिक्षकों का, उन छात्रों का जिन्होंने उनसे सवाल किए और उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने क्या सीखा होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि एक फिल्म स्टडी के ऊपर, एक फिल्म स्टडी की क्लास चल रही थी जिसके ऊपर लेक्चर देने के लिए मियाँ खलीफा को आमंत्रित किया गया था। मियाँ खलीफा वहाँ पे आई और अपने अनुभवों से उन छात्रों को अवगत कराए। छात्रों ने कौन सा अनुभव लिया, किस तरह के अनुभव लिया, इसके बारे में विशेष मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक भी एक पोर्न स्टार पहुंची हुई थी। वो ऑस्ट्रेलिया के पोर्न स्टार हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हुई हैं, वो भी पोर्न स्टार। उनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने आमंत्रित किया था वहाँ लेक्चर देने के लिए, और मियाँ खलीफा को ऑक्सफोर्ड ने आमंत्रित किया था। ये दोनों विश्वविद्यालय विश्व की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं। इन दोनों में दो पोर्न स्टारों को आमंत्रित किया जाता है लेक्चर देने के लिए, छात्रों के भविष्य संवारने के दो लिए। पोर्न स्टार विश्व की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में जाती हैं, वहाँ लेक्चर देती हैं, अपने अनुभवों से वहाँ के छात्रों को सिखाती हैं, अवगत कराती हैं, बताती हैं, बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी होंगी। छात्रों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। दोनों ही लगभग फिल्म स्टडी पे ही दोनों सेमिनार जो थे आयोजित किए गए थे, जिसमें इन दोनों को लेक्चर के तौर पर बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। छात्रों ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे होंगे, क्या प्रश्न किए होंगे, मुझे इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि क्या इन दोनों से बेहतर किसी और को नहीं बुलाया जा सकता था विश्वविद्यालय में लेक्चर देने के लिए? या फिर ये बदलती दुनिया का एक नया परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है जिसमें कि अब यूनिवर्सिटियों में पोर्न स्टार को बुलाया जाएगा लेक्चर देने के लिए? खैर, अगर आपको कहा जाए कि आपको अपने यूनिवर्सिटी में किसी पॉपुलर स्टार को लेक्चर देने के लिए बुलाना है, तो किससे बुलाएंगे आप? किसी फिल्मी स्टार, कोई शिक्षक, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, या फिर कोई पोर्न स्टार? किससे बुलाएंगे आप?